मैं समय अलीराजपुर के जोबट में हूं और यहां पर विधायक कार्यालय पर मौजूद हैं महेश पटेल, सेना महेश पटेल और तमाम ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं, तो इनसे हम चर्चा करेंगे। आज आप लोग यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज हम जोबट ब्लॉक की सभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जो कि पिछले दिनों से जो खट्टाली ब्लॉक का और जोबट विधानसभा में करीब 25,000 एकड़ जमीन का जो केंद्र सरकार द्वारा टेंडर निकालने की तैयारी थी, उसमें 3 टेंडर हो चुके हैं और डाबड़ी ब्लॉक हो चुका है, नेतड़ा ब्लॉक हुआ है और अभी खट्टाली ब्लॉक हुआ है, तो उसमें पूरे ग्रामीण भयभीत है, जिसमें राज्य सरकार भी स्पष्ट नहीं कर रही, केंद्र सरकार द्वारा हो रहा जा रहा है। एक तरफ से कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेता अफवाह बता रहे हैं कि ये अफवाह है, कांग्रेस झूठे अफवाह करा रही है, आदिवासी समाज झूठा अफवाह करा रहे हैं। लेकिन मैं नागर सिंह चौहान से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सांसद अनिता नागर सिंह ने लोकसभा में एक मुद्दा उठाया था कि उसमें कि हमारे अली जोबट विधानसभा के अलीराजपुर ज़िले में कई जमीनों का टेंडर हुआ है और उसको निरस्त किया जाए करके लगाया था। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अनिता नागर सिंह झूठ बोल रही या नागर सिंह झूठ बोल रहा, पहले तो ये स्पष्ट करें। और जो अनिता जी ने, जो सांसद ने जो मुद्दा उठाया था वो बिल्कुल उठाया, लेकिन उसका जवाब अभी तक आया कि नहीं आया, ये भी हम पूछना चाहते हैं। तो ऐसे में आज ग्रामीण लोग, कई लोग भयभीत है, परेशान है, रात को भी नहीं सो रहे, दिन को भी नहीं सो रहे। अधिकारी एक ही जवाब दे रहे कि पेशा एक्ट के तहत आपकी जमीन नहीं जाएगी, एक इंच नहीं जाएगी और ये अफवाह है, तो ये आए दिन हो रहे। महेश भाई, मुख्यमंत्री बेंगलुरु में हैं और आज भी वो समिट करने वाले हैं, उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बेंगलोर में रोड शो के माध्यम से उद्योगपतियों को आकर्षण करने के लिए, आज जो हमने नई दुनिया पेपर कल पढ़ा था उसमें अलीराजपुर ज़िले को भी लिया गया है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे देश में नंबर वन बनना चाहता है उद्योग खोलने के लिए, लेकिन आज हमारे आदिवासी पूरा आज भयभीत है, लेकिन सरकार उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे, अफवाह अफवाह करके बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ही खुद आज भास्कर ये नई दुनिया पेपर में छपा है, हमने देखा है। तो ऐसे में सरकार को यहाँ पे श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि आज हमारे आदिवासी ना रोटी खा रहे ना घूम रहे, कई योजनाओं के कई दस्तखत भी नहीं कर रहे, ऐसी हालत हो चुकी है। और यहाँ के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोल रहे कि कांग्रेस अफवाह उड़ा रहे, आदिवासी समाज अफवाह उड़ा रहे, आंदोलन भी हुआ है उसके लिए, अभी हमने 9 अगस्त तक का जवाब भी मांगा, लेकिन आज तक हमारे को कोई प्रशासन की ओर से कोई जवाब भी नहीं आया, इसलिए हम अगली रणनीति अब सड़क पे उतरना पड़ेगा आदिवासी समाज को, सर्व समाज को, क्योंकि आज जल जंगल बचाना हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि आज अगर ये पूरी खदाने जाएगी, लीलामी जाएगी, तो यहाँ पर हमारे यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर सरदार सरोवर डैम है, आप लोगों देखा होगा कि कई जगह जहाँ पर बड़ी बड़ी होती तो वहाँ भूकंप आएंगे, ये आएंगे, तो पूरा अलीराजपुर ज़िला तहस नहस हो जाएगा, लेकिन प्रशासन और यहाँ के मंत्री और कई लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इनमें कह रहे कि एक इंच भी नहीं जान देंगे,
तो सांसद महोदय ने भी मुद्दा उठाया था, तो ये क्यों नहीं बोल रहे? अब गलत है क्या ये? अब विधायक हैं, बतौर विधायक इस पूरे मुद्दे पे क्या करने जा रहे हैं? जय जोहार, जय आदिवासी सब भाई को राम राम। जिस तरह से जोबट विधानसभा में और अन्य जिलों में जिस तरह से जमीन अधिकरण का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, शासन इसमें स्पष्टीकरण भी नहीं देना चाह रही है। और जिस तरह से हमारे आदिवासी भाई, उनको सही जानकारियां भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। और कल का जो स्टेटमेंट आया है माननीय सांसद महोदय का सदन में, उन्होंने तत्काल निरस्त करने की बात पटल पर रखी है, उसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन उनके ही नागर सिंह चौहान, उनके पति, उनका ये बोलना पड़ रहा है कि ये सब अफवाह हैं। तो पहले ये आपस में ये कन्फ्यूजन दूर तो हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जोबट ब्लॉक में और अलराजपुर ज़िले में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जो ब्लॉक बने हैं, और इसका इसमें कोल इंडिया के द्वारा जो प्रक्रिया हुई है टेंडर की, इस प्रक्रिया को तुरंत निरस्त किया जाए और राज्य शासन इसका स्पष्टीकरण हमको जवाब दे दे, ताकि हमारे लोगों में जिस तरह का जो भय का माहौल है वो ख़त्म हो जाए। और आज हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो ज़मीन की बात है, अगर ज़मीन ही हमारे आदिवासी भाइयों से छीन ली गई तो ये हमारा पूरा समाज कहाँ जाएगा, इनके ऊपर क्या बीतने वाली है, इसकी चिंता सरकार नहीं कर रही। लेकिन मैं इस आपके माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि कोई भी प्रक्रिया हुई और अगर ज़मीन छीनने का काम हुआ, तो मैं ज़िले में तो धरना दूंगी हजारों लोगों के साथ में, लेकिन सबसे पहले मैं सदन में भी, विधानसभा में भी ये धरना दूंगी। ये मैंने लक्ष्य कर लिया है, क्योंकि इनकी ज़मीन हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा अस्तित्व बचाने का ये बहुत बड़ा अधिकार है हमारा। और हमको जिस तरह से हमारा समाज को गुमराह किया जा रहा है, माननीय मोहन यादव से निवेदन है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, ताकि हमारे समाज के लोग शांति से रह सके और हमारा जीवन अच्छी तरह से यापन हो सके। तो आपने महेश पटेल और सेना महेश पटेल दोनों को सुना, दोनों इसी मुद्दे पड़े हुए हैं कि जमीन अधिग्रहण को लेकर आदिवासियों में भ्रम की स्थिति है, उसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। संसद में अगर सवाल हुआ तो मंत्री को जवाब देकर स्पष्ट करना चाहिए। कई सवाल हैं, विधायक ने विधानसभा में सड़क से लेकर विधानसभा में धरने की चेतावनी भी दी है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।